ऑनलाइन में चलो रेडी है, चलो आओ। बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग सब आता है तो। द ओनली रीजन फॉर मी टू स्टे इन कैलकटा इज यू ऑल, और एल्स आई एम अ फ्री बर्ड। माई वर्चुअल बैकग्राउंड विल बिकम रियल बैकग्राउंड इफ यू ऑल स्टॉप कमिंग टू द क्लासेस। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक द बैकग्राउंड ऑफ माउंटेन्स, मैं रियल में माउंटेन्स पे जाके पढ़ा सकता हूँ। सो बीच पे जाके पढ़ा सकता हूँ। हाँ, नेटवर्क भाई, बहुत पैसा है मेरे पास, तो नेटवर्क क्या बात कर रहे भाई। वो तुम लोग पता नहीं क्या, वो आता है उससे डोंगल क्या मतलब तेज भाई, क्या बोल रहे आज के दिन पे। मेरे को तो रटा है ना, अगले टर्म में पढ़ाऊंगा सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो आओ, छोड़ो ये सब बचकानी बातें, छोड़ो आइए। जिस चीज के लिए आए हैं वही चीज करना है, आओ चलते हैं। ऑनलाइन में सबको मेरा आवाज आ रहा है, चलो आओ। सितंबर 2022, ठीक है, कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग 3.5 Q 56.25। तो हम लोगों को किससे करना है इसको, CFM से करना है ना। सो 1 minus 3.5 P 56.25। ये है क्वेश्चन नंबर 1। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। CFM बोला है ना, ठीक है। टू रीड कर लेना, 3 पे आइए। अरे बात मत करो, अब 3 पे आइए। एन इंडिविजुअल एज 20 एग्जैक्ट विशेष टू परचेज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी एट एज 45। So X is 45, which is currently priced at 10 lakhs. ठीक है, they plan to save a fixed amount X monthly in advance for the first 10 years. नहीं नहीं सॉरी, ये एक्चुअली वैसा क्वेश्चन है ही नहीं। एज 20, ठीक है, विच इज करेंटली प्राइस्ड एट, दे प्लान टू सेव अ फिक्स्ड अमाउंट एक्स मंथली इन एडवांस फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स। मंथली इन एडवांस for the first 10 years, 2x monthly in advance for the remainder of the term. Huh? So total में तुम्हारा जो n आएगा वो कितना आएगा, और x तुम्हारा कितना है,
पहले यहां पर बोला x एंड देन 2x फॉर 15 ईयर्स, यही बोला है ना। द इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.5%, मतलब आई अपने को दे दिया है 0. एंड जे अपने को दे दिया है 0.005। ओ ओ, ये तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख नहीं है। पहला बात तो आंख से मैं नहीं दिख रहा, तो चश्मा लगा लो। मंथली इन एडवांस है ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। 2.5%, ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, आगे लेके जाओ फिर पीछे लेके आओ, आगे लेके जाएंगे ये जो आया है, फिर इसको 2.5% से टालना पड़ेगा। ए वाला कर सकता है ये जो है ना, इस पूरा को फिर तुमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v^25 से। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू एडजस्ट। दोबारा v इसमें v आएगा ना, इस वाले में यहां पर v आएगा, इधर पे हाँ ए आएगा। हाँ वही तो, या तो यहां पर भी या फिर यहां पर ए। नहीं, 10 पे आ रहे हैं, 15 साल अक्यूमुलेट करेंगे तब 25 पे जाएगा। हर्षिता मन में जो चल रहा है उसको हटाओ। डे ड्रीमर, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब इन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ ए बार (45–50)/(20). कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी (0.025). म्यू वाई इज 0.02।
calculate the probability that life Y dies more than 3 years after life X. सुनो पहला वाला पार्ट A बार 45, 50, 20 इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ. माने इसका मतलब क्या है? हाँ मतलब वही. इसका मतलब क्या हो गया? दो आदमी है पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ. जब 45 साल वाला आदमी मरेगा और वो सेकेंड मरेगा 20 साल के अंदर अंदर मरेगा. हाँ बेसिकली ईपीवी ऑफ पेमेंट ऑफ वन पेबल इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द 45 ईयर ओल्ड सेकेंड 20 साल के अंदर अंदर. सेकेंड जो मरेगा मतलब वो 20 साल के अंदर अंदर मरेगा. एंड जब वो मर रहा होगा तो 50 साल वाला ऑलरेडी मर चुका. ठीक है यस. बट पैसा कब मिलेगा 45 वाले? हाँ और वो सेकेंड होना चाहिए. लाइफ वाई डाइज मोर देन 3 years आफ्टर लाइफ एक्स. सो एक्स जैसे मान लो 0 से इंफिनिटी टीपी एक्स म्यू एक्स प्लस टी. मतलब एक्स मर गया और वाई इसके 3 साल बाद तक जिंदा रहेगा. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट तुम लोग समझा मैंने क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब एक्स मर रहा है उसके 3 साल बाद तक भी वाई जिंदा रहेगा तभी तो वाई 3 साल तक उसके बाद मरेगा ना. मतलब मेरे को तो किससे मतलब है कि जब एक्स मर रहा है वाई उसके 3 साल और जिंदा रहे. द कंडीशन इज फुलफिल्ड एंड देन वी कैन सॉल्व दिस आउट. हाँ नहीं एक सेकेंड. हाँ प्रोबेबिलिटी निकालना है. ईपीवी नहीं निकालना है. एक और ये लोग ऑल्टरनेटिव भी दिया है यहां पर. सो दिस इज इंटीग्रेशन 3 टू इंफिनिटी टीपी वाई म्यू वाई प्लस टी 1 माइनस ये समझा. मतलब जब वाई मर रहा है उसके 3 साल के पहले पहले एक्स मर जाना चाहिए. ठीक है. हर टाइप से चीज को तोड़ना मोड़ना सीखो. ठीक है. वो पहला वाला था. और देखो यहां पर 3 बोल रहा है क्योंकि टी तो 3 से कम वैल्यू तो ले ही नहीं सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 में आइए. A decreasing 2-year term insurance pays a benefit at the EOYOD. So, क्या है पैराडॉक्स? 2-year term insurance, ठीक है. Sum assured
फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितना है? हाँ ठीक है. नो बेनिफिट इज पेबल ऑन सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. डिटरमाइन द मीन एंड वेरियंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इश्यूड टू अ लाइफ एज्ड. मीन वेरियंस निकालने का 6 नंबर क्या हो गया CM1 का पेपर को. AM92 अल्टीमेट तबीयत खराब है इसकी. 6.5% पर एनम इफेक्टिव. फिर बोला एक्सप्लेन विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर कैलकुलेशंस हाउ द मीन कैलकुलेटेड इन पार्ट वन वुड चेंज इफ द एज एट विच द लाइफ हैड टेकन आउट द पॉलिसी हैड बीन ओल्डर देन 62. क्योंकि ज्यादा एज होगा तो मैं जो सोच पा रहा हूं, ज्यादा एज होगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा तो पे आउट का बेनिफिट का जो EPV होगा वो भी ज्यादा होगा. सेलेक्ट रादर देन अल्टीमेट तो गिर जाएगा. नहीं नहीं वैसे नहीं होता. मतलब तुमको एक जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर तुम ज्यादा एज का होगा तो मरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा तुम्हारा. वो तो तुम ये जो तुम बोल रहे हैं ना ये वो है क्या बोलते हैं, ये तो एक डेटा प्रॉब्लम है कि हम लोग जब देखते हैं कि 80 के बाद जो तुम्हारा डेक्रीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है दैट गोज डाउन क्योंकि उस समय उतना डेटा नहीं है. दिस कैन नॉट बी द रियल रीजन ना. लॉजिक क्या है पहले तुम ये सोच. तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी सोचने जा रहे हैं. तुम नॉर्मल सोच कि नॉर्मल क्या सोच होगा. वो ठीक है वो तो मैं तुमको बोल रहा हूं इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेटा कि भाई शुरू में डेथ बहुत ज्यादा होता है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी 0 to 1 में बहुत ज्यादा रहता है. फिर धीरे धीरे करके थोड़ा इंप्रूव होता है. फिर जब बच्चा यंग होता है तो उस समय बहुत ज्यादा रहता है. फिर तुम लोग बोले हुक्का हुक्का बोल रहे हैं. हुक्का पान बीड़ी सिगरेट धूम्रपान वेप. मैं अपने फ्रेंड के तुम वो सब छोड़ो. मैं अपने फ्रेंड की शादी में वेप मतलब शॉक्ड मतलब ऐसे मतलब मेरे से तो देखा नहीं क्या. हाँ तुम बोलो क्या क्वेश्चन था. सेलेक्ट से क्या होता है कि एक्सक्लूजन आ जाते हैं. भाई तेरे को ये बीमारी है तो तू प्रीमियम ज्यादा दे या फिर तू मेरे से मैं नहीं करूंगा. दैट इज अ रुको ना एक मिनट. दैट इज द पार्ट ऑफ द अंडरराइटिंग टीम. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग. सो अंडरराइटिंग मतलब क्या होता है कि पॉलिसी स्क्रूटनाइज होता है कि भाई इसको हम लोग इंश्योरेंस करें बैड रिस्क एंड गुड रिस्क. सो आज कोई मेरे पास स्टूडेंट आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है मेरा 11th 12th में मैथ नहीं था. तो नहीं हाँ मतलब नहीं 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 ऐसा नहीं है. देखो वी आर वेरी नॉट सिस्टमैटिक आई विल से वी आर वेरी एथिकल इन वॉट एवर वी आर डूइंग एंड मनी इज नॉट द गोल. मनी इज द गोल बट आई फील दैट मनी इज द एंड रिजल्ट. सो वैसा मैं सोचो कि नॉन मैथ स्टूडेंट को एक्चुअली कराना इज अ बिट आई नॉट प्रेफर. लाइक इन बॉम्बे द स्टार्टेड क्लास 11. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ अ स्टूडेंट इन क्लास 11 वॉन्ट्स टू ज्वाइन अस बट देर इज अ डिस्क्लेमर दैट इज नॉट राइट टाइम टू ज्वाइन. यू कैन ज्वाइन आफ्टर 12 after 2 years. If a non-math student is coming, I'll not say a no, but I'll not say a clear yes as well. Because I'll always say that, no, you need to basically work very hard. If a math student is working 4 hours, you need to work 6 to 7 hours, at least for the next 1 year. Because, jab hum log lower level pe the, abhi jaise tum log lower level pe ho, to tum log pura dekh nahi pa rahe ho. बिकॉज अगर आप देखोगे मैथ्स सिर्फ 2 ही पेपर पे है. एंड ये जो पेपर्स है ये मैथ्स एक्चुअली नहीं है. तुम लोग अभी तक एक्चुअली को जो प्रमोट किया गया बहुत गलत तरीके से प्रमोट किया गया कि इट्स मैथ्स. इट हैज गुड अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन स्टैट्स बेस्ड पेपर्स. इट्स मोर अबाउट नाउ कोडिंग एक्सेल जो कोई पहले नहीं सीखा होता. जस्ट थिंक यू जस्ट नीड डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन एंड फ्यू लॉजिक लाइक एक्सपोनेंशियल लॉगरिदम जो बिजनेस मैथ्स में सिखाया जाता है. देयर इज नो ट्रिगो.
So the student will struggle in CM and CS exams, but what about the rest 9 exams? So even if a student wants to do chartered accountancy, so in that also there is maths in CA foundation. In college you want to study, so that amount of basic is there, but still there is a disclaimer that you will face a lot of problems in the journey, at least for the first 4 exams. So underwriting may be aisa hi hota hai. कंपनी एकदम क्लियर है अपने पॉलिसी पे कि भाई देख हम लोग का ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, अगर तेरे को ये बीमारी है, अगर तेरे ये प्रॉब्लम है तो हम लोग, अगर तेरा फेफड़ा खराब है ठीक है, तुम लोग जाएगा 25 साल में पॉलिसी लेने, फर्स्ट टाइम तुम लोग को सैलरी मिलेगा मे भी 21 बजाय 22 बजाय, तब तक इतना टार तो तुम्हारा फेफड़ा बचा ही नहीं होगा तब तक, तो बोलेगा भाई तेरा मैं इंश्योरेंस नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ नहीं, सेलेक्ट में क्या होता है, एक्सक्लूजन आ जाते हैं कि भाई अगर इस वजह से तेरा मौत हुआ तो कंपनी लायबल नहीं है। तो सेलेक्ट में मतलब क्या होता है, मोर्टैलिटी इज लाइटर, सो मोर्टैलिटी इज लाइटर मतलब क्या, प्रीमियम खा लेंगे बट पे आउट कम होगा। तो 2 साल की तो पॉलिसी है, स्टिल सेलेक्ट मीन्स वॉट, 2 साल का बोल के ही बोला है, सेलेक्ट कैसा भी बोलेगा तो मतलब वो कम तो होगा ही ना, ठीक है। Yes. वही तो मैं बोला, फर्स्ट वाले में आपका ईपीवी बढ़ेगा, दूसरे वाले में गिरेगा। अब आइए कैसे करना है इसको। सो 90,000 भी 50,000 V स्क्वायर Q62 वन डेफर्ड Q62, सो ईपीवी निकालेंगे। सो कैसे होगा, दिस इनटू दिस एंड हम लोग निकालेंगे ईपीवी का, माने इसका स्क्वायर इनटू दैट, इसका स्क्वायर इनटू दैट, और माइनस करके क्या निकालेंगे, वेरिएंस फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। दैट वाज वेरी सिंपल। हाँ तो मैं अगर निकालने बोलता तो सेवा भाव से कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। यू नीड टू डेवलप सम पेशेंस एंड रेसिलियंस विद इन योर सेल्फ, ठीक है ना। 1-15 मिनट पढ़ा, लेट्स चैट, नो, यू नीड टू फोकस। आज का टाइम में कुछ भी पॉसिबल है, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, यू नीड टू जस्ट हैव द डिटर्मिनेशन। मैंने तुम लोगों को लग रहा है ना कि कैसे बड़ा आदमी बनेंगे, कैसे होगा, यस यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। मेरा मैं कुछ नहीं करूंगा भाई लाइफ में, इनफैक्ट तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, तुमको जो करना है खुद से ही करना है। खोलो खोलो ना, तुम यही पढ़ाओ ना, भाई जो पढ़ा रहा था वो तो उसको तो घुटा दिए हम भाई, हम लोग अभी कंसल्टिंग में जा रहे हैं, प्लेसमेंट में जा रहे हैं, तुम जब तक खोलेगा तब तक हम लोग कहां होंगे, दुबई में चले जाएंगे हम लोग, यूएई, मिडिल ईस्ट, अलबीबी, ठीक है। अब 1 ईयर ZCB विल बी इश्यूड एट टाइम 3 एंड एज अ थियोरिटिकल प्राइस ऑफ $95। 1 ईयर हंसी आता है कभी कभी, 1 ईयर ZCB विल बी इश्यूड एट टाइम 3, ठीक है। उसका प्राइस कितना है, तो बेसिकली 3 से 4 के लिए है ना, स्पॉट रेट्स दे दिया है, कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग एंड अज्यूमिंग नो आर्बिट्राज, आर्बिट्राज मतलब रिस्कलेस प्रॉफिट, रूम के बाहर कोई चीज 10 में बिक रहा है, रूम के अंदर 12 में बिक रहा है, तो जो आर्बिट्राजेस होते हैं वो क्या करते हैं पता है, रूम के बाहर से लेंगे, रूम के अंदर बेचेंगे, खरीद लेगा तो। हाँ ये जो टी शर्ट पहना है कितने रुपए का है, एक रफ 500, 1000, 1500, सो यू डोंट नो द रियल प्राइस, राइट,
someone is reselling that. ठीक है, so you don't know कि रूम के बाहर, मतलब not exactly रूम के बाहर, it can be state wise, रीजन वाइज. अब जैसे मान ले बड़ा बाजार में सामान सस्ता मिलता है, सबको पता है, तो एक किलो आटा लेने के लिए बड़ा बाजार जाता है क्या? लेकिन वो दुकानदार तो बड़ा बाजार से लेके आ रहा है ना, तो फिर तो वही तो बात है ना. हावड़ा, मेरी दीदी भुआ का घर पहले हावड़ा में ही था. पहले तुम लोग हावड़ा में बहुत खेलते थे, बट अभी हावड़ा से सब लोग उठ के चला गया लेक टाउन में, है ना, सब लोग लेक टाउन में है. अब 1 year जीरो कूपन बॉन्ड विल बी, छोड़ो भाई तुम उससे बात, एक्स द 3 year स्पॉट रेट. सो कैसे करेंगे इसको बोलो भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को. हाँ बोलो, 95 क्या? कुछ भी. अ 1 year जीरो कूपन बॉन्ड विल बी इश्यूड एट टाइम 3. क्या किए तुम? 1 year जीरो कूपन बॉन्ड, उसको सपोर्ट भी करे बात लो, यही तो आएगा, यही तो आएगा. 1 year चिल्ला गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के. 1 year जीरो कूपन बॉन्ड विल बी इश्यूड एट टाइम 3. वी नीड F3-4. हाउ टू गेट F3-4? वी नीड F3, बेसिकली फॉरवर्ड रेट फ्रॉम टाइम 3 टू टाइम 4, विच इज F3-1. ओके, वन, तुम लोग मत बोलो प्लीज. ठीक है, सो 95 वन प्लस वाई 4, अब उनको समझने के बच्चों लोग फेल क्यों होता है. आज एकदम पूरा पिक्चर क्लियर है भाई मेरे माइंड में एकदम. अरे कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं पड़ा भाई, तो पक्का फेल हो गई होगा. चिल्ला दिए पहले ही लाइन में 1 year जीरो कूपन वन टाइम 3, तो तुम 3 साल उसको अक्यूमुलेट कर दिया और 4-5 लोग और जुड़ गया. दुख की बात तो ये है, यहां पर सब कुछ पता है, खाली Y3 नहीं पता है. हाँ क्यों, ये तुम लोग बनाए हैं? क्यों नहीं करवाए थे? क्या बोल रही हो तुम, मजाक मत करो. ए टर्म स्ट्रक्चर नहीं है वीडियो में? तो तुम अभी टर्म स्ट्रक्चर पे हो. स्पॉट रेट इज बेसिकली जीरो से, जैसे इसका मतलब क्या है, वन, देखो मैं बता देता हूं, ये 0, 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है, तो ये पहला साल स्पॉट रेट मतलब क्या, यहां से यहां का, फिर 2 साल वाला यहां से यहां का, मतलब तुम जैसे प्रॉब्लम क्या है ना, 2 साल का स्पॉट रेट खाली 2 साल के लिए ही यूज हो सकता है. ए मानवी फोन मत यूज करो, क्या है एहसान कर रही हो. 3 साल का जो स्पॉट रेट है वो खाली 3 साल के लिए ही यूज हो सकता है. ठीक है, नॉट कंफर्टेबल, यू वॉन्ट टू गो होम. ठीक है, तो ये वाला हो गया, देख लो इसको. ठीक है, अब स्पॉट रेट मतलब, अब जैसे मान लो पहला साल का जो स्पॉट रेट है दैट इज 1 प्लस y, ऐसे ही यूज होगा, 1 प्लस y1 to the power 1, 1 प्लस y2 का स्क्वायर, 1 प्लस y3 का क्यूब,
माने ये जीरो से वन के लिए यूज हो सकता है, ये जीरो से टू, ये जीरो से थ्री। तुम सोचोगे कि इसको हम लोग दो साल के लिए यूज कर ले, नहीं यूज कर सकते क्योंकि दो साल का स्पॉट रेट अलग है। स्पॉट रेट का मतलब होता है ZCB का प्राइसेस निकलता है इससे। जैसे मान लो 94, 80, 70 ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये एक साल का है। अगर ये एक साल का तो मैं कैसे निकालूंगा, 94 1 प्लस वाई 1 इज 100, तो यहां से मेरा एक साल का यील्ड आ जाएगा। ZCB का यील्ड है सब। तो ZCB का मतलब क्या होता है, आज खरीदा और एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल बाद बेचा, राइट। सो वो सब यील्ड है जो जीरो से चालू होता है। और फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जो कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम के लिए। जैसे ये 3.1 का मतलब क्या, तीन साल बाद एक साल के लिए। बट स्पॉट का मतलब क्या होता है, वन ईयर मतलब जीरो से वन, जीरो से टू, जीरो से थ्री, ठीक है। अभी जैसे यहां पर अपने को ये बोला है ना 95, तो बोला टाइम थ्री पे इश्यू होगा, तो ये फॉरवर्ड हो गया। बट कोई चीज अगर जीरो पे इश्यू होता है सो दैट इज स्पॉट, जीरो कूपन बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। द टू ईयर डिस्क्रीट फॉरवर्ड रेट स्टार्टिंग एट टाइम टू, ये कैसे करेंगे, सो वन प्लस वाई फोर टू दी पावर फोर, वन प्लस वाई टू। अब देखो जैसे ये चार साल का स्पॉट रेट है तो उसको चार साल के लिए यूज कर सकते हैं, दो साल का स्पॉट रेट दो साल। अब यहां पर आएगा वन प्लस एफ 2.2 का स्क्वायर, माने दो साल का रेट दो साल के बाद। मतलब जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4 जो वाई फोर है वो यहां से यहां के लिए यूज होगा, वाई टू यहां से यहां के लिए, और ये जो एफ 22 है वो यहां से यहां के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अ 5-year बॉन्ड इज इश्यूड पेइंग एनुअल कूपन 9% एंड इज रिडीमेबल एट 110%, सो दैट द एनुअल ग्रॉस इफेक्टिव रिडेम्पशन। सबसे पहले प्राइस निकालेंगे और फिर प्राइस से क्या निकालेंगे, GRY। समझ में आ रहा है, पहले क्या निकालेंगे, प्राइस। अब तुम इससे समझाओगे पूरा। अब देखो जैसे कितना का कूपन है, जल्दी बोलो कूपन कितने का है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितने का कूपन है, जल्दी बताइए, 9, 9, 9, 9। और यहां पर क्या आ जाएगा, रिडेम्पशन कितने पे है, 110 प्लस 9। समझ गया। अब देखो स्पॉट रेट सारा दिया हुआ है, तो अपने करेंगे 9/1+Y1 प्लस 9/1+Y2 का स्क्वायर प्लस 9/1+Y3 का प्लस 9/1+Y4 टू दी पावर। तुम समझा, चार साल को चार साल से, तीन साल को तीन साल से, दो साल को दो साल से। तुम Y2 को चार साल के लिए यूज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू 1+Y2 टू दी पावर 4, क्योंकि ये दो साल का ही स्पॉट रेट है, ठीक है। अब इसके बाद प्लस 9, अरे मिट गया क्या, पेपर से मिट भी जाता है, ठीक है। प्लस 9 प्लस 110 बाय, इससे प्राइस आएगा, और फिर प्राइस इज इक्वल टू 9A5+, सो दिस इज माय GRY इज लोअर देन द हाईएस्ट स्पॉट रेट, GRY इज द वेटेड एवरेज ऑफ द स्पॉट रेट, द 5-year स्पॉट रेट इज द हाईएस्ट स्पॉट रेट एंड एज द लार्जेस्ट वेट एज द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 110 इज लार्ज रिलेटिव टू द कूपन वैल्यूज ऑफ 9। इसका मतलब क्या है, GRY इज द एवरेज, GRY एक टाइप का एवरेज है, इट इज द वेटेड एवरेज, ठीक है। सो इसीलिए स्पॉट रेट का जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीजिंग है। नाउ अगेन हेयर वी कैन अप्लाई द लॉजिक ऑफ व्हाट, मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सपेक्टेशन थ्योरी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही मेरे को, मतलब बेसिकली जितना मैं बोलो ना, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा मेरे को रिटर्न भी चाहिए होगा, ठीक है। हाँ देख लो इसको, ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक, आओ क्वेश्चन नंबर 7 में आइए।
time and tide wait for none. ये देखो ये पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, ठीक है, ये आपके मैट पे आपको दिया हुआ है. प्राइस देखो, व्हेन प्राइसिंग फिक्स, ए बात मत करो, व्हेन प्राइसिंग फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड्स द कैपिटल गेन्स टेस्ट कंपेयर्स आईपी टू दिस, शो दैट इफ आईपी इज ग्रेटर देन दिस देन देयर इज अ कैपिटल गेन एट रिडेम्पशन. अब मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना, प्राइस मेरा क्या होगा, 1 माइनस टी वन, डी मतलब क्या, कूपन, ए एन एक साल में कितना बार, पी टाइम्स, प्लस आर वी टू दी पावर एन. अब गेन कब होगा पहले ये बताओ, व्हेन आर इज, वेरी गुड, व्हेन रिडेम्पशन इज ग्रेटर देन प्राइस. अब प्राइस पूरा डाल दीजिए, प्राइस पूरा डाल दीजिए, 1 माइनस टी वन डी ए एन पी प्लस आर वी टू दी पावर एन. अब इसको सॉल्व कर लेना, मतलब तुम लोग, बहुत सिंपल है ये, मैं कराया भी हूं, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है. टू सिचुएशंस वेयर अ कैपिटल गेन्स टेस्ट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड आर फॉर एन इन्वेस्टर हु पेस कैपिटल गेन्स टैक्स वेयर द रिडेम्पशन डेट ऑफ द बॉन्ड इज वेरिएबल. एक्सप्लेन फॉर दीज टू सिचुएशंस व्हाई द कैपिटल गेन्स टेस्ट इज नेसेसरी. For an investor who pays capital gains tax. So, जो दे रहा है पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि टैक्स है कि नहीं, कैपिटल गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो पता चलेगा टैक्स कितना आ रहा है. एंड फिर उसके हिसाब से लोग प्रोविजन करते हैं प्राइस में, नहीं समझा, प्राइस में फिर अगर अगर मान लो लॉस हो रहा है तो माइनस वाला कॉलम नहीं आएगा, और अगर लॉस नहीं हो रहा मतलब गेन हो रहा है तो माइनस वाला कॉलम आएगा. और दूसरा मैं बोला रिडेम्पशन डेट वेरिएबल, तो हम लोग को वर्ड्स के सिनेरियो वाला बेसिकली एक्सप्लेन करना है पूरा इसमें, ठीक है. बट ये लोग जैसे, अरे भाई ये लोग देख पूरा बढ़िया से किया है, मतलब ये पूरा लर्न करना है इसको, मतलब थ्योरी क्वेश्चन है ये, तुम चीज समझा. ये लोग क्या पूछ रहे हैं, बोले जिसको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, अब किसी को अगर कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो इसका मतलब क्या है बताओ. कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो पहले तो चेक करेंगे कि गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब अगर मान लो कि गेन हो रहा है, अगर मान लो कि गेन हो रहा है तो गेन हो रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा, तो माइनस वाला कॉलम आएगा ना, बट अगर लॉस हो रहा है तो माइनस वाला कॉलम तो नहीं आएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसको रीड कर लेना. अभी ना ये लोग थोड़ा पैटर्न टाइप चेंज टाइप में कर रहे हैं, मतलब सर्टेन कैश फ्लो से थोड़ा अच्छा अच्छा खासा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है. अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज 20 ईयर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज, कितना साल का पॉलिसी है, 20 है, टर्म इंश्योरेंस है. लाइफ एज कितना, एक्स 45, लाइफ का एज कितना है, एक्स इज 45. द सम इंश्योर्ड ऑफ 3 लाख इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, सो 3 लाख है, वेरी गुड, ईओ वाईओ डी, ठीक है. लेवल प्रीमियम्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर द टर्म ऑफ द पॉलिसी सीजिंग ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर. इंश्योरेंस कंपनी यूजेस द फॉलोइंग अजम्पशंस, सेलेक्ट 4%, 250, 50 इनकट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड एंड ईच सब्सिक्वेंट पॉलिसी ईयर, 75 इनकट व्हेन द बेनिफिट इज पेड आउट. ए तुम रेडी हो जाओ व्हाइट. सेम है ना हम लोग का. कमीशन 25% रिन्यूअल, जीएफएलआरवी, फिर ग्रॉस प्रीमियम, बताओ क्या बोलेंगे अब हम. चल चालू हो जा. जीएफएलआरवी भाई, पीछे वाले एसी चलाओ, तुम लोग ऐसे करेगा तो कैसे होगा, थोड़ा रीशफलिंग करना. जो स्वेटर पहन के आया है वो इधर बैठना. बोलो यस, वी डोंट हैव ऑल डे.
नहीं चल ठीक है तुम बोल तुम आज अच्छी चीज थी ना 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 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 3 लाख तीन लाख में क्या ऐड करेंगे हम लोग 75 पहले ऐड करेंगे क्यों ऐड हो रहा है 75 अब देखो ये क्या है ये है तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस है तो टर्म इंश्योरेंस में चक्करबाजी क्या है इफ के बॉक्स एक्स इज लेस देन 20 के बॉक्स एक्स जैसे ही 20 टच कर गया तो कुछ नहीं ठीक है यहां पर आ जाएगा जीरो एंड ऑफ द ईयर है क्या अब इसके बाद में इसमें क्या क्या जुड़ेंगे इसमें क्या क्या जुड़ेंगे बताइए 200 जुड़ेंगे 50 को उसी में इंक्लूड कर दे रहे हैं 50 ए ड्यू मिनिमम कितना बोलो एडवांस में हो रहा है ना के एक्स प्लस 1,20 ये उल्टा लिख दिए क्या हम मैंने इसे ऊपर चला गया पहाड़ की तरह तुम लोग एडजस्ट कर लेगा ना ऐसे ठीक है भाई थैंक यू भाई ए ड्यू के एक्स प्लस 1 क्यों हो रहा है पहले मेरे को ये बताओ क्योंकि पहला वाला को जोड़ लिए ना तो जीरो पे पहला हो रहा है जब जब जीरो पे पहला होगा मतलब क्या है ठीक है इसके बाद प्लस 0.23 अरे बोलते क्यों नहीं हो 235p इसके बाद 0.235 समझ गया ना 25% से 1.5% निकाल लिए अब 1.5% को कर देंगे इसके बाद हम यहां पर कर रहा हूं ठीक है तुम लोग एडजस्ट कर लेगा ना अरे मेरे को हो जाता है यार अच्छा तो तुम लोग हैं लेकिन मेरे को स्ट्रेस हो ही जाता है तुम लोग का फिर भी पता नहीं क्यों ही मेरे को स्ट्रेस होता है अभी आजकल लाइफ में सब कुछ है फिर भी चैन नहीं है ये तुम सही बोला ना ना यार तुम लोग बहुत बिल्डअप कर देते हैं इतना भी पैसा नहीं है यार ऐसी ना ना अरे लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है रे भाई खुद से सब कुछ बनाने में हालत खराब हो जाता है लिख सकते हैं मैंने ऐसे मतलब थोड़ा कमाया हुआ पैसा होने से ना मतलब ऐसे मान लो 50 करोड़ मैं तुमको एंजॉय करना है हाँ मतलब तुम्हारे पास ना मतलब नहीं नहीं मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में ना बहुत दिक्कत होता है ऐसे मतलब समझो जैसे तुम पैदा हुआ 50 करोड़ हाँ बोलो समझा नहीं मैं जीरो पॉइंट टू फाइव यहां तुम उंगली ऊपर क्यों दिखा रही हो नहीं तुम उंगली हाँ आप तुम नीचे की तुम ऐसे उधर तो कर मैं उधर देख रहा हूं हाँ इधर इधर यस ए भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं बट ए में 19 लिखना पड़ेगा 20 साल का पॉलिसी पहला साल न्यू और 19 बार ऋण न्यू
अरे बाबा फिर गलत, ए मिनिमम के एक्स प्लस ए के संग प्लस वन कहां से आ रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ अगर मान लो एंड ऑफ द ईयर है तो के एक्स प्लस वन होगा, अगर इमीडिएटली है तो पावर में टी एक्स होगा, अगर एनविटी इन एडवांस है तो के एक्स प्लस टर्म है जैसे, तो मिनिमम के एक्स प्लस वन कॉमा 20 इस तरीके से, अगर ए होगा तो मिनिमम जो है के एक्स कॉमा एन, ऐसे करके बेसिक यही है। वो एक दो तो वीडियो में तो कराए हैं, पूरा उसको देखो अच्छे से, मटीरियल वाला वीडियो तुम लोग स्किप मत करो। ठीक है, इसके बाद इसका प्रीमियम निकालना है, ए यू किसमें, ये एडजस्ट किया ना 250 था ना, तो पहला साल का 50 उधर ले गए, तुम बोलो, यस तुम ही बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? महक, ठीक है बोलो। हाँ सो 3 लाख, सेलेक्ट है क्या? तो बोलो सेलेक्ट फिर। हाँ क्या द कंपनी सेट्स द प्रीमियम सच दैट, नहीं एक मिनट एक मिनट, अरे वो तो सिर्फ पूछ रहे थे हम, द कंपनी सेट्स द प्रीमियम सच दैट द ईपीवी ऑफ द ग्रॉस फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू, लॉस जो है दैट इज 4% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम इनकम। एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता माइनस पी ए ड्यू 45 सेलेक्ट 20 इज इक्वल टू 0, सो बोलता है ये जो ग्रॉस फ्यूचर लॉस का जो ईपीवी है दिस इज 4%, दिस इज 4% ऑफ द प्रीमियम इनकम, यही बोल रहा है ना? ठीक है, नहीं एक मिनट, नहीं इसमें हाँ यही होगा, 0.96 कौन बोला, 0.96 गलत है, लॉस एक मिनट, लॉस में क्या होता है, आउटगो माइनस इनफ्लो इज 4%, हाँ सही एकदम, ठीक है तो 1.04 आएगा। ठीक है ये चुड़ैल थी, क्या क्या देने लग गए लोग। द कंपनी सेट्स द प्रीमियम सच दैट द ईपीवी ऑफ द जीएफएलआरवी इज इक्वल टू 4% ऑफ द ईपीवी ऑफ प्रीमियम इनकम। ठीक है आइए नेक्स्ट में आइए, समझ गया नहीं ला, नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट लिंक पॉलिसी हैज द फॉलोइंग प्रॉफिट वेक्टर, इन फोर्स प्रॉफिट कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द रिजर्व्स, और हम लोग को इंटरेस्ट दे दिया 3%,
और हम लोग को क्यू दे दिया है, फिर बोला एनपीवी बिफोर आफ्टर कमेंट। चलो हर्षिता बोलो, तुम अब कहीं नीचे ऊपर कुछ मत देखो, तुम बस खाली यहां पर बोर्ड पे देखो, मेरे को बताओ क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं इसको। देखो लास्ट का दो में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, तो चालू किससे करेंगे? हाँ तो V2 क्या होगा बोलो, 39 बाय, जोर से बोलो ना यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ V1 क्या होगा बताओ, V2 into QX, इसलिए सुबह चिल्ला रहे 8 बजे से, क्या PX क्या तो नाम हर्षिता मित्तल है, क्यों 0.98 क्यों, मेरे को ये जानना है, जिंदा रहने का कौन सा प्रोबेबिलिटी है मेरे को ये बताओ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, व्हाट V2 है बोलो, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स, बोलो 1, तुम तो पहले तो जोर से बोलो, वॉइस है हाँ बोलो, ओके 0 पॉइंट, ओके माइनस प्लस क्यों होगा, कैश फ्लो तो नेगेटिव है तो माइनस ही ना होगा, बट कैश फ्लो तो नेगेटिव है, ठीक है प्लस नॉट सेटिस्फैक्टरी बट आई विल से 22% प्लस कितना 22 है क्या, वो 25 है, ओके ठीक है, फिर V0 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 क्यों, अच्छा चलो कैश फ्लो, आई से समवेयर अराउंड 18% बोलो, हाँ मेरा क्वेश्चन है कैश फ्लो 1, क्वेश्चन को मारो गोली, दिस इज माय क्वेश्चन, माइनस इंटू 0.98 होगा, क्योंकि V1 सबके लिए नहीं बनाएंगे, जो 0-7 सर्वाइव करेगा उन्हीं के लिए बनाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद बोला है एनपीवी ऑफ द प्रॉफिट्स आरडीआर 8% बिफोर एंड आफ्टर, एक बात बोले क्या, एक बात बोले, मैं प्रोबेबिलिटी का फैक्टर बताता हूं, 0.98 समझ गया ना, यही प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स मेंटेन करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर में क्या आएगा, V2 square V3 V4 V5, ठीक है हो जाएगा, लो कमेंट में यही लिखेंगे कि रिजॉय, अच्छा एक बात बताओ कमेंट कौन बताएगा, यस कमेंट कौन बताएगा, यू बोलो कमेंट तुम बताओ, हाँ बोलो कमेंट बता दो, बस मेरे तरफ देख के कमेंट बताओ, बिफोर एंड आफ्टर जीरोइजेशन हो रहा है, कमेंट बताइए, ए बोल
तुम बोल, बिफोर एंड आफ्टर जीरोइजेशन बोल, बिफोर में एनपीवी, कुछ भी लिख देगा कमेंट में, कुछ भी कचरा भर देगा तो हो जाएगा। तुम बोल, बिफोर में एनपीवी ज्यादा कम होगा, देखा लैंग्वेज सुना, ज्यादा कम होगा, ना कम बोला ना ज्यादा बोला। अबे एग्जामिनर मेरा मुझे सुनेगा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में, चोमू नहीं है एग्जामिनर, मैं समझ रहा, मेरे से 10 गुना ज्यादा ऊपर, तो वो लोग को समझ में आता है, देख लेता है वो लोग, भाई पेपर देख के समझा देगा, पेपर से बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होता है भाई। अभी तो बोला ज्यादा करके कम, तो हम लोग क्या आंख बंद करके चेक थोड़ी करता है भाई, कुछ सेंस नहीं आ रहा है तो मत लिखना। नहीं कोई कोई टीचर लोग होता है लेख छोड़ के मत आना, अरे कुछ आएगा तब तो लिखेगा, ऐसे कुछ भी मत भर के आ जाना, नहीं तो ऊपर वाला भी काट देगा, मान लो इसका वैसे झगड़ा हो रखा होगा, और फॉरन में तो डिवोर्स भी जल्दी जल्दी हो जाता है, तो डिवोर्स हो रहा होगा, तेरे पेपर चेक कर रहा होगा, ये सब कचरा लिख दिया, हाँ तो डिफरेंस आएगा 50 और 60। कुछ भी, यस यू विल से, किस में, बिफोर एंड आफ्टर जीरोइजेशन, एक सेकंड, तुम्हारा नाम उसका नाम सेम है, हम बोले उसको बोलने, बोलो तुम बोलो क्यों, इग्नोर करो लोग सब नॉनसेंस। हाँ बिफोर एंड आफ्टर जीरोइजेशन में एनपीवी, तुम बोल रही हो आफ्टर जीरोइजेशन में गिरेगा, बिफोर में कम, ठीक है तुम बोल, तुम बोलो, यस मिडिल मिडिल तेरे पीछे, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, हाँ बोलो, पॉइंट फाइव और अभी तो बताया हम 2 मिनट पहले, तुम बोल, तुम पान पर खा रहे रजनीगंधा, नहीं लाया तो ले लेते, ठीक है अब सुनो, 3% रिजर्विंग का रेट है और 8% रिस्क डिस्काउंट रेट है, सो बिफोर जीरोइजेशन में एनपीवी विल बी हायर, आफ्टर जीरोइजेशन में एनपीवी विल बी लोअर, क्योंकि यहां पर मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, रिजर्व, यहां पर मैं जो रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं, रिजर्व में पैसा आगे जा रहा है 3% पे, फिर हम लोग जब टान रहे हैं 8% पे, तभी तो बताया यार, ठीक है आगे जा रहा है 3% पे और पीछे आ रहा है 8% पे, इसीलिए आफ्टर जीरोइजेशन में एनपीवी विल बी लोअर, हर में ये कमेंट आ रहा है बस याद रखना, ठीक है चलो नेक्स्ट, भाई नहीं रुकने वाला भाई, ठीक है हम तो ब्रेक दिया, 2 बार ब्रेक दिया, क्या है ब्रेक, हाँ तो पानी पी लो, पानी पी लो, हम बैठे हैं, पियो पानी, चलिए आइए ऑन 1 जनवरी 2006, ना ना भाई ऐसा कोई बात, 1 जनवरी 2006
life insurance company issued a portfolio of identical 25-year endowment assurance. So, 1-1-2006, 20, N is 25, endowment assurance बोला है, sum assured कितना बोल दिया है, 2 लाख, ठीक है, X कितना बोल दिया है, 40, प्रीमियम क्या बोला है, 3885, are payable annually in advance and cease at the end of the policy term or on earlier death. Sum assured is payable at maturity or at the end of the year of death. So, क्या है? और हम लोग को 520 policies बोल दिया है. Gross premium reserve on 1st January 2021. So, 1-1-21. गिनो मेरे साथ साथ. चलो, चालू करो. 6-7-8-9-10. 5. फिर 15. फिर 15. 10. देखा तुम कीर्ति कीर्ति नहीं कीर्ति का नहीं वहां भी लिख दे रहे तुम लोग. लिख के देते बोलो. इतना सिली मिस्टेक हो रहा है ना. जबरदस्ती का सिली मिस्टेक हो रहा है. जल्दी करना क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है. कहां से 16 आ रहे. गिनाओ तुम्हें मेरे को. 16 अभी खाली ये बोलेगा. ठीक है तुम बोल बोल. फिर उसके बाद पहले 16 कहां से हमको गिना. गिन ऐसे नहीं ढंग से गिन. 6-7-8-9-10 5 साल हो गया. और गिन 11 फिर गिन पूरा गिन. 11-12-13-14-15 और 21 के स्टार्ट का डेटा दिया और 21 के एंड का निकाला तो भी 16 आएगा. 15 साल है. Calculate showing all your working. The GPR per policy पंद्रह साल पे हम लोग को रिजर्व निकालना है. 4% इंटरेस्ट AM92 अल्टीमेट सरेंडर इज इग्नोर रिन्यूअल एक्सपेंस 25 इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पॉलिसी ईयर क्लेम एक्सपेंस 100 इनकर्ड एट द सेम टाइम एज बेनिफिट पेमेंट रिन्यूअल कमीशन इज 1% ऑफ द एनुअल प्रीमियम. ठीक है चलो. तो V15 निकालेंगे. चलो बोलो तुम बोलो. आई बोलो. हाँ क्यों बोलो. अभी तक किया नहीं है चैप्टर. क्वेश्चन ट्राई करो. क्या बोल रहे हैं इसमें हम लोग को. 2 लाख का पॉलिसी है. सब तो लिख दिया डेटा. ट्राई करो बोलो. V15 बोलो. 100 रुपीज इज द क्लेम एक्सपेंस. देखा हम बोले थे ना अजीब टाइप का बदमाशी होता है. उसका माउस लेके इधर रख दिया. ठीक है देखा ये बैटरी निकाल दी उसका. हम लोग लड़का लोग को इसी में खुशी मिल जाता है. लड़की लोग 10-10-15-15 जाकर ड्रेस लेके भी खुश नहीं है. तुम बड़ा से बड़ा गिफ्ट दे तो कोई खुश नहीं होगा. हम लोग को देखो ये सिंगाड़ा खिला देगा मेरे को शाम को हम खुश हो जाएंगे. ठीक है V15 बोलो. सो 2 लाख प्लस 100 का क्या है क्लेम एक्सपेंस. ए 55-10 प्लस 25 क्या है बताओ. 25 है क्या. ए ड्यू
10, तो हम लोग को जो बोला है इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पॉलिसी ईयर, तो शुरू से ही लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे माइनस 0.99, 3885 एड यू, ठीक है। वन परसेंट बोला है ना एनुअल प्रीमियम का, तो 99। द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो ऑफ पॉलिसीज ड्यूरिंग 2021, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन एसेट्स बैकिंग द रिजर्व्स 4.3, टू डेथ्स, 10 सरेंडर्स ईच रिसीविंग अ सरेंडर पेमेंट ऑफ 1,13,000, एक्चुअल रिन्यूअल एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेड टू द एंटायर पोर्टफोलियो 55,000, टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हैंडलिंग द डेथ क्लेम्स 200, एक्चुअल रिन्यूअल कमीशन पेमेंट्स बाय 1%, ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व 1 जनवरी 2022, मतलब ईयर एंड का दे दिया है, हम लोग को TPTL निकालना है, रिकर्सिव रिलेशन चालू करेंगे, जो रिजर्व है उसमें प्रीमियम ऐड करेंगे, एक्सपेंस माइनस करेंगे, ईयर एंड पे लेके जाएंगे, दैट इज व्हाट, ठीक है। आइए चालू करते हैं, सिंपल है, हम लोग का रिजर्व आएगा जो V15 है अपना कितना आ रहा है, 1,05,438.36, ठीक है। सो अपने करेंगे 1,05,438.36 प्लस 3885, 520 पॉलिसीज है 0.99, माइनस अपने को बोला है टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, हाँ, 55,000, ठीक है। सो ये पूरा इंटू 1.043। अब इसके बाद में 2,00,000 करके कितना लोग को देंगे, अरे बोलते ही नहीं हो तुम लोग, 2,00,000 करके 10 लोग को देना पड़ेगा 1,13,000, और 200 का मेरा एक्सपेंस आ जाएगा, और बाकी बचे लोगों के लिए क्या बनाएंगे, सो प्लस में आ जाएगा 520 में 2 और 10 माइनस हो जाएगा, इंटू 1,13,000 238, ठीक है। तो ये मेरा फंड्स अवेलेबल, ये मेरा फंड्स रिक्वायर्ड, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। कंपनी, अब जैसे देखो ये तो ठीक है, अब उसके बाद में कंपनी अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्ट कर रहा था 2.3 डेथ्स, बट हुआ खाली 2 डेथ्स, सो कंपनी पैसा कम दिया, ठीक है। सो मोर्टैलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, इंटरेस्ट 4.3 था बट एक्सपेक्ट कितना किया था 4, तो वहां भी प्रॉफिट। सरेंडर्स के लिए जब उन लोग रिजर्व बनाए थे तो कोई अलाउंस नहीं था, बट एक्चुअल में दिए पैसा, तो वहां थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा निकल गया, ठीक है। वेदर दी सरेंडर्स लीड टू अ प्रॉफिट और लॉस डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल सरेंडर वैल्यू पेड एंड हाउ इट कंपेयर्स टू द रिजर्व हेल्ड, माने उसके लिए रिजर्व में कितना पैसा था और उसको एक्चुअल में सरेंडर पे कितना दिए, ठीक है। हेयर द सरेंडर वैल्यू पर पॉलिसी वॉज 1,13,000 और रिजर्व था 1,13,238, सो 238 काट के दिए, तो मतलब अपने को सरेंडर में प्रॉफिट हुआ है। द एक्चुअल रिन्यूअल एक्सपेंसेस पेड 55,000 विच इज रफली इक्वल टू 106 पर पॉलिसी, द रिजर्विंग बेसिस ओनली अलाउज फॉर 100, माने इसको डिवाइड कर देंगे 55,000 को 520 से, तो अपना आ जाएगा। The actual claim expense of 200 is line with the reserving assumption, so the actual claim expense experience
did not lead to a profit or loss. Renewal commission was in line with reserving basis and did not contribute to the profit. हाँ बोलो अब. Funds. ये वाला में क्या? नहीं ये तो टोटल है. ये एक का है क्या? ठीक है. सब एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया है कि जो मेरा एजम्पशन था और जो एक्चुअल है उसको बेसिकली ये लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है लंच ब्रेक. अब लंच करो फिर उसके बाद में. नहीं बाद में करा दे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. हाँ इफ यू से सो नो प्रॉब्लम. आई डू द सम. नो प्रॉब्लम कोई छोड़ना मत. इफ यू से सो आई डोंट माइंड. क्वेश्चन नंबर 11. अ लोन ऑफ तीन लाख वॉज टेकन आउट ऑन. अरे तो लोन से दो मिनट में निपटाएंगे. है कॉन्फिडेंस तो खराब है क्या? द लोन इज रीपेड बाय एन एन्युइटी पेबल क्वार्टरली इन अरियर. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल रहा है. ठीक है. द लोन इज रीपेड बाय एन एन्युइटी पेबल. वो देखा हैरी पॉटर अभी हम देखे थे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स. तो उसमें एक जन को बुलाता है वो लोग. अरे इसमें उसको बुलाता है कि वो रक्षा करेगा. तो ऑल द टाइम ही वॉज बोस्टिंग. देखा नहीं चेंबर ऑफ सीक्रेट्स. ऑल द टाइम ही वॉज बोस्टिंग कि अरे मैं होता तो मैं ऐसे कर लेता. मैं होता तो हाँ. जब एक्चुअल में आता है ना जब खुलता है तो सबसे पहले भाग जाता है. तुमने देखा? ओ तुम लोग तो मेरे से 10 साल छोटे हो. हाँ हाँ Get the facts correct, bro. Yeah. The loan, come back to the question. The loan is repaid by an annuity payable quarterly in arrear. For 12 years, the amount of the quarterly installment increases by 400 after every 4 years. कितना साल बोल रहा है? तो स्लैब बनाएंगे 4, 8, 12. अमाउंट ऑफ द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट यहां पर एक्स देंगे. ठीक है. द इंस्टॉलमेंट वर कैलकुलेटेड नॉमिनल रेट इंटरेस्ट 6% कन्वर्टेबल क्वार्टरली. अज्यूमिंग प्रिंसिपल इक्विवेलेंस स्टेट एन इक्वेशन ऑफ वैल्यू. ओ माई गॉड ऑल द कॉन्फिडेंस रीगेन्ड. देखा ना धूम 3 पहले पागल की तरह बनता फिर ऐसे करता है वो. मतलब पिक्चर नहीं देखते क्या तुम लोग? हाँ हाँ ऐसे से पहले करता है वैसे. ठीक है. अबे नहीं बे देखा वेला. ठीक है शुरू शुरू में मैं थोड़ा डगमगाया बट क्या करना है इसमें? कुछ करना ही नहीं है. एक्स ए 16 प्लस एक्स प्लस 400 ए 16 बी टू दी पावर 16 प्लस एक्स प्लस 400 into 2
a 16 v to the power 32. हाँ ये मैं भूल गया. क्यों होगा? जीरो से 16 है ना बेटा, जीरो से 16 था तभी तो वी वी स्क्वायर वी क्यूब डॉट डॉट वी टू दी पर 16 आया, तभी तो उन सबको मैं ए 16 लिखा. बट दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है ए 16, फिर यहां से यहां लाएंगे वी टू दी पर 16, यहां से यहां हो रहा है ए 16, फिर यहां से यहां लाएंगे वी टू दी पावर 32. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, फिर इसके बाद बोला इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट शोइंग, तुम्हारे संग मजाक ही हुआ है, कैलकुलेट शोइंग ऑल, नहीं इसके ढंग का नहीं था, कैलकुलेट शोइंग ऑल, इसके ढंग में लोन शुरू का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रीपेड इन द फर्स्ट क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. ओ पहला का ही निकालने बोला है, मैं डर गया, मैं बोला कहां है 2015, फिर जब मैं खोजा तो मेरे घर से चालू हो रहा था. हाँ अरे एक एक 15 31 3 15 मतलब पहला निकालना है ना, तो क्या करेंगे 300,000 को मारेंगे 1.5% पे मारेंगे और फिर जो निकलेगा उससे माइनस कर देंगे. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए ना तुम लोग से. कैलकुलेट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एनविटी फंक्शन द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर द क्वार्टरली. ओ एक मिनट सुनो, क्या बोला है, क्या बोला है, 30/9/22 हमको कीर्ति के मुंह से सुनना है. तू कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब एनी तो क्या बात करी तू, भाई हम तो यही पूछा उसका प्रेजेंस का बात कर, भाई हम तो यही पूछ रहे हैं 20 यहां पर 27 तो कहीं से भी नहीं आ रहा, तुम मेरे को बोल रहा है लोन कब लिया था, क्वेश्चन ये नहीं है लोन कब लिया था, ये क्वेश्चन है. गिनो 15, 16, 17, 18, 19, 20 रुक जाओ ऐसे तुम लोग बोलने से मानेंगे नहीं, 20, 21 रुक जाओ 21 मतलब 7, 7, 4 प्लस रुको 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3 कहां से आ रहा है 27 तुम लोग क्वार्टर पे ध्यान मत देना भाई, ठीक है क्वार्टर मिस करने का ही होता है, फॉर दोज हु अंडरस्टूड. ना कितना हो रहा है 12:48 यहां, अब क्या निकालने बोला हम लोग को, तेरेगा एक्स प्लस ये तो पूरा होगा और ये एक यहां पर आ जाएगा, मैं ट्राई करता हूं एडजस्ट करने का, देखो हो रहा है क्या,
अरे वी लिखे हैं रे भाई, क्या किए क्या किए, वी लिखे हैं, ठीक है। बट अरे क्वार्टर्स में कर रहे हैं यार, अच्छा प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, कहीं पर भी निकालने बोले, चाहे यहां आगे का डायग्राम नहीं खराब करेंगे, प्रोस्पेक्टिव एंड, ठीक है ये बात याद रखना, अब रेट्रो मतलब पीछे से आएगा, प्रो मतलब पीछे, आगे फिर देखा आगे से, सामने से पीछे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, देख लो इसको, इसके बाद क्या बोला है, क्या ही पकाया होगा, बोला होगा क्वार्टरली को लेवल का कुछ भी बोला वैसे। फर्स्ट अक्टूबर 2022 बोरोवर आस्क्ड टू चेंज द लोन कॉन्ट्रैक्ट, तुम लोग देखा यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग, जो वर्किंग नहीं दिखाएगा उसको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, पेपर दिख रहा है सबको ये ला। फर्स्ट अक्टूबर 2022 द बोरोवर आस्क्ड टू चेंज द लोन कॉन्ट्रैक्ट सच दैट क्वार्टरली रिपेमेंट वुड बी लेवल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। बोरोवर खेल गया, देखा जैसे ही बढ़ने वाला है, बोला लेवल कर दीजिए इसको, बोरोवर तो खेला, अब बैंक उसके साथ खेलेगा, बोलेगा भैया 6 नहीं चलेगा, 7.5 हाँ, मैं कब बोला कि क्वार्टर है, 7.5 आई है अब, ओ माय गॉड नाउ इट्स डिफिकल्ट। तो ये जो लोन आ रहा है इसको एक बार वाई ले लेते हैं, क्योंकि जीवन में हर चीज का जिम्मेदार एक्स को देना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा भी गलती हुआ ही होगा। हाँ ए ठीक है, वाई जो मेरा लोन है, ठीक है वाई मेरा लोन आ गया यहां से, अब क्या करेंगे बताओ, ए बोलो, ओ ए तो वैसे ए हो रहा है, सॉरी बी, बी इज द लेवल, लेवल पेमेंट, बी क्या, ए ए नहीं, एक मिनट, क्वार्टरली रिपेमेंट वुड बी लेवल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म, द लेंडर अग्रीड प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट रेट वॉज इंक्रीज टू इतना इफेक्टिव एंड दैट द ओरिजिनल टर्म, भूल गया था इसको हम लोग, ओरिजिनल, वही मैं सोच रहा था कि इतना सारा लोन कैसे हो जाएगा, ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोन इज, मैंने 48 तक ही, देखा ये नया लिए, इसे हाथ से भी बन जाएगा, ठीक है, बी ए बोलो, हाँ क्वार्टर में ही कर लो, 7.5 से निकाल लो और क्या, ठीक है आया कुछ और ही, जो उसका कल था वो तुम्हारा आज ना बन जाए, ठीक है। समय बदलते वक्त नहीं लगता, ठीक है, यस बोला है ना कि 48 तक सारा चुका दीजिए, एक तो वो ब्याज बढ़ा दिया और बोला 48 तक सब चुका दीजिए,
सो 31 पेमेंट हो चुका है, 17 बाकी है, सो बी निकालेंगे. ठीक है, लंच ब्रेक एंड देन वी आर मीटिंग इन 30 मिनट्स ऑफ टाइम.